अपने एक ब्राह्मण का सेवा करने के बाद ऐसे हुआ। और बताते हैं फिर यार दोस्ती की बात करने लगे तो इधर सुदामा जी बड़ा संकोच में थे कि क्या बोले क्या ना बोले। फिर भी मित्रता जो होती है प्राणी ख्याल करना कि वो तुम बूढ़ा कितना हो जाओ वही दिल की बाजी रहेगा जो छोटे बनती है। कभी कभी कोई कल हमने यहाँ पर देखा तुम बैठे थे तो स्कूल का मित्र जो थे ये भगवान की कृपा से दोनों यहाँ पर मिले, साथ पढ़ते थे सिक्का टुका में, यहाँ आए एक दूसरे को मिले। बताते ये हमने बोला कि कृष्ण जी मिलवा दिए मित्रता इसमें बड़ा नहीं ये भाव है उनका। तो बताते जब मिलते हैं तो अशुदा जाने लगते हैं खुशियारी हो जाती है। और फिर इसी भाव से कृष्ण जी बोलने लगे कुछ पुराना बातें याद है कि नहीं, तुमसे क्या याद करें क्या नहीं। बोलते हम जानते हैं कि मुझे जो आपसे चुराए थे यही डंडा ढूंढना पड़ रहा है। बोले क्या हुआ क्या तुमने अभी तक बताया नहीं। बोले नहीं मुझे मालूम है मैंने छिपा कर रखा था। जब वे बताते हैं हमारे गुरु माता ने थोड़ा खीर दिए थे और जब हम लकड़ी लेने गए थे जंगल में कुछ आग जलाने के लिए गुरु जी मांगे थे, बहुत सर्दी का समय था पानी बारिश हो रही थी और आप जंगल में चले गए रहने के लिए, मैं यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठा था और मुझे थोड़ा भूख लगी थोड़ा खीर निकाल कर खाया मुझे स्वाद लगा, मैंने पहले आधा भाग कर दिया। अब भाग वाला बता आधा भाग किया कि यार मेरा है दूसरा आधा अपने स्वाद और लगा तेरे में से और काटते गया मैं तो थोड़ा देर हो गया तेरे और तब तेरे लाभी में खा गया और तूने बोल दिया था जाओ तुम्हारे कभी पूरी नहीं होएगी हमेशा कमी रहेगी। तो ये ब्राह्मणों का श्राप है एक कि यदुराई ने बोल दिया और फिर बताते कि आज तू मालो माल हो गया और मैं एक भिखारी बन गया। हे परमात्मन अब मांगने की भी जरूरत नहीं है, बताते तुम्हारा दर्शन हो गई मैं सब कुछ पा लिया। अब जैसे वो पा लेते हैं सब कुछ अपने आप विदाई मांगते हैं, बोले जो मांगने के लिए आया था मैं वो भूल गया, मार्ग में यही सोचते जा रहे हैं अच्छा भगवान से मिल तो लिया अपना कर्म तो कर लिया। लौटते जा रहे हैं अपने जो द्वार पर पहुंचे अपने गांव में जब पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं बड़े बड़े महल है बड़े बड़े सुंदर नारियां हैं। बताते जो दासी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर काम कर रहे हैं सुंदर लग रहे हैं। और कोई बता दिया संदेशा कि सुदामा जी आ रहे हैं, इधर उनकी पत्नी लीलावती आरती की थाली लेकर निकलती है उनको देखते बोले तू कौन है तू कहाँ से आई। तो कुछ संदेशा तो बोले अरे पति देव तू मेरे ही पति हो ये सब अचानक में ये सब हो गया तो जान जाते ये सब भगवान ने कराए हैं। चले यहीं पर हम कथा को विराम करते थोड़ा आगे गा लगे करा दे मुझे दे देवे और बड़ा आनंद आता है। अब फर्क लगा जैसे मैंने पंजरी
का ही विश्लेषण किया था कि भर कर लेकर आओ बेस्वाद रहे खजाने पकड़े। तो यहाँ पर कृष्ण जी बताते हैं कि भक्त अभक्त के विषय में बताते हैं कि भाई शांत चित्त वाला पुरुष भक्ति पूर्वक पत्ते फूल फल जल इत्यादि जो कुछ भी दे देता है उसे मैं प्रेम पूर्वक कारण प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर अपने पत्रम पुष्पम फलम जलम निवेदितम तद्ग्रहणम। परमात्मा बताते हैं कि मुझे भाव से पत्र पुष्प दे दो उसी से मेरा स्वीकार है। आप बताते हैं कि हे राजन इस प्रकार भगवान कृष्ण चंद्र जी बहुत बार कहा कि किंतु ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदामा जी को बताते हैं कि नीचे को मस्तक लगाए रहते थे कृष्ण। अब देखो ये ब्राह्मण जो था अपने आप में देखो कई होते हैं बेविचारी ब्राह्मण, आप लोग तो भी ताजा ताजा खबर सुनते हो सब, तो बिना बोले कुछ बोल देना अच्छा नहीं होता है बेविचार। और ऐसे बोलते हैं कि बोलना तो भाव से बोलना, क्या बोलना चाहिए कब क्या बोलना चाहिए, दूसरे के कान में जब आवाज जाए तो आनंद आए। बताते हैं कि मित्रता जो होती है या मजाकिया होती मित्रता में भी ख्याल रखना कि मजाकिया में दोनों हंसे तो आनंद आए, एक हंसे एक ना हंसे मजाकिया करो, एक हंसे एक ना हंसे। मैं मजाकिया हंस करूँ आप लोग ना हंसो तो समझ लेना आप लोग को बुरा लग रहा है मैं सोचूंगा। अगर आप लोग हंसते हो तो आप लोग आनंद आ रहा है, मैं हंसूँ तो भी आनंद आ रहा है। अगर आप लोग हंसो और मुझे ना हंसी आए तो मुझे आनंद नहीं आया, तो मित्रता वो नहीं है। मित्रता दोनों हंसना बराबर चाहिए मजाकिया में ख्याल रखना। तो यहाँ पर बताते हैं कि दोनों आनंदित होते हैं और बताते हैं कि प्रत्येक के हृदय और बात जानने वाले भगवान कृष्ण उनके आने के कारण जान लेते हैं। अब इस भाव से प्रिय बंधुओं ने हमारे कृष्ण भगवान सबके अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं क्या क्या आपके अंदर है और क्या क्या नहीं है ये सब। और जो भेंट है परमात्मा को अर्पण करने के लिए अभी हमारे द्वार खुला है और परमात्मा की शरणागत में जो भी कोई प्राणी आता है बस भाव से थोड़ा श्रद्धा के साथ भगवान का भक्ति करो पूजन करो। और इस शुभ समय में बताते हैं मनोकामना का सिद्धि होती है, मन में जो विचार लेकर आते हो परमात्मा को पूर्ति करते ही है ख्याल रखना है बात। चले हम निवेदन करते हैं भाव से अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं अपने बंधुगण भाव से सभी लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी का आरती करेंगे और मन वंचित का कामना जो है परमात्मा के सामने अर्पण करें, परमात्मा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।